हमारे बीच में हमारे बड़े भाई संजय मोदनवाल जी है, श्याम सिंह जी। तो जय श्री राम भाई दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब की बार जन्माष्टमी 2 दिन मनाया जा रहा है, कुछ लोग आज मना रहे हैं, कुछ लोग कल मना रहे हैं। माहौल स्टूडियो माकाली, वहाँ पर हर साल जन्माष्टमी मनाया जाता है। वहाँ पर किसी न किसी बड़े कलाकार को बुलाया जाता है, चाहे खेसारी लाल, चाहे पवन जी हो। अब की बार निरहुआ आने वाले थे, लेकिन निरहुआ नहीं आए। उनके फिल्म में काम करने वाले संजय पांडे जी आए हुए हैं। चलते हैं, आप उद्घाते हैं। बहुत अच्छे एक्टर जिनको देखने की बड़ी ख्वाहिश होती है, हमारे बीच आ चुके हैं संजय पांडे जी। बात कर रहे हैं, तो दिनेश भैया से बात हुई और मनोज टाइगर जी बड़े भैया से बात हुई, तो आपने संजय भैया जब उपस्थित है, आप लोग तालियों की घबराहट से उनका स्वागत करिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। और इसके बाद पटका तालियों से स्वागत आप लोग करें। यहाँ ये छोटी सी भेंट है, लेकिन आकाश के लिए बहुत बड़ी भेंट है। हम सबके तरफ से, माहौल वासियों के तरफ से, उस पर कुछ नहीं है, केवल नगर पंचायत माहौल काली चौरा का नाम है, छोटी सी भेंट है। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की मनमोहक चित्र है। और मैं चाहूंगा हमारी पटका पहना कर संजय भैया का इस मंच पर स्वागत करें। रानू राजभर जी जो क्षेत्रीय उपाध्यक्ष है गोरखपुर क्षेत्र के, हमारे मित्र भी है। रानू भैया आप स्वागत करेंगे हमारे मुख्यमंत्री जी को। रानू जी पटका पहना कर स्वागत करते हुए बड़े भैया दुबे जी को, प्रदीप सिंह जी। एक छोटी सी भेंट है। और हमारे छोटे भाई संदीप जी जो काशी में इसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, मैं उनसे चाहूंगा। हमारे बीच में मदन मुरारी जी हैं जो कि लोकप्रिय कलाकार हैं, उनको पटका पहनाए संदीप जी। अल्पसंख्यक मोर्चा के हमारे साथी गुलजार अहमद जी हैं, मैं भी आ जाए। हमारी परंपरा है स्वागत करने की। और राजेश मस्ताना जी मंच पर है, गुलजार भाई को पटका दिया जाए। राजेश मस्ताना जी का स्वागत करेंगे। और भाई जी यहाँ है दीपू बाबू और दिलजीत। आप सभी नगरवासियों के तरफ से, सम्मानित जनता की तरफ से, हमारे बीच में हमारे बड़े भाई संजय मोदनवाल जी हैं, श्याम सिंह जी हैं, राजेश गौड़ जी, हसुरा जी, दो शब्द इस छोटे से मंच में नगर पंचायत माहौल के मंच पर कहे प्रेम दुबे। हसुरा जी तालियों से आप लोग स्वागत करिए। हमारे अतिथि हैं और उसमें आप भोजपुरी और हिंदी इंडस्ट्री के भी कलाकारों को लाऊंगा, ये मेरा वादा है। हमारे मुख्य अतिथि जी बड़े भैया संजय पांडे जी, जिनसे हमारी मुलाकात करीब 10-8 साल से हो ही नहीं है। ऐसे हमारे बड़े भैया का आगमन हमारे माहौल की सरजमी पर माता अली चौरा के प्रांगण में हुआ है। मैं भैया का हार्दिक अभिनंदन करते हुए चाहूंगा भैया दो शब्द हमारे इस छोटे से मंच को कहें। जय हो। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। सुबह तक मुझे नहीं पता था मनोज जी ने, मनोज टाइगर जी जो हमारे बहुत अच्छे मित्र इसी क्षेत्र के हैं, उनका 3 दिन पहले फोन आया था कि बहुत हर्षोल्लास के साथ बड़े भव्य लेवल पे जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है माहौल की धरती पे। सबसे पहले मैं इस धरती को प्रणाम करता हूँ। तो फिर मेरा सौभाग्य कि मुझे इस अवसर पे आने को मिला।
रानू राजभर जी का फोन आया और रानू जी के साथ थे, जबकि कल हम लोगों की सबकी आंखें डैमेज हो गई शूटिंग के समय। सुबह तक स्थिति ऐसी थी नहीं कि हम आ पाए, मुझे भी पावर का चश्मा लगता नहीं, मैं बकायदा देख सकता हूँ अच्छे से, लेकिन सिर्फ मजबूरी में लगाया हूँ कि लाइटें आंखों पे पड़ेंगी। और कल हमारी शूटिंग आज बंद कर दी गई थी इसीलिए, क्योंकि हम सबकी आंखें पता नहीं क्यों डिस्टर्ब हो गई कल शूटिंग में। लेकिन फिर भी यहाँ आके लगा, जिन बच्चों को मैंने कलाकारों को देखा, कृष्ण बना है, कोई राधा बनी है, कोई शंकर बना है, तो सचमुच इतना भव्य और इतना अच्छा जन्मोत्सव कृष्ण जी का मेरे जीवन में पहली बार देखा। और इतना धार्मिक उत्साह ये माहौल, उन बच्चों के साथ फोटो लिए हैं, मतलब सच में वो बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे इस पूरे परिवेश में। और मैं पूरे संस्था जो कमेटी है, खासकर मदन जी, अभी इनका गाना सुन रहा था, और दुबे जी प्लस रानू जी जिनका विशेष वो योगदान रहा है मुझे यहाँ लाने में, जो मैंने कहा कि मेरी आंख थोड़ा डिस्टर्ब है, बोले भैया शाम तक बाकी बिहारी ठीक कर देंगे, आप आ जाएंगे वहां। तो सच में भगवान की कृपा है और आप सब इस बात के बधाई के पात्र हैं कि यहाँ पर इतने अच्छे हुए हैं। और फिल्मों में जो कंस बनता है उसको कृष्ण के जन्मोत्सव में बना लिया आपको, बताइए अपने आप में एक अद्भुत बात है कि जो भोजपुरी फिल्मों में जिसे आप रावण और कंस के रूप में देखते हैं, उसे आपने कृष्ण के जन्मोत्सव में बुला लिया है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। फिल्में देखते हैं आप लोग सब लोग, बतावा है नकली में रानू में इतना मारा तली रहूंगा, असली रात तक खा कर दे चचा। आप सबका प्यार है कि मैं भी इसी आजमगढ़ जिले से हूँ, प्रतापगढ़ से हमारे दुबे जी हैं, प्रेम दुबे जी। हमने कहा दुबे जी चलिए बहुत अच्छी जगह ले जा रहा हूँ आपको, और अच्छा लगा सच में। और आप लोग प्यार देते हैं इतना, आप फिल्में देखते हैं, आप आशीर्वाद देते हैं, इसलिए हम सब आप सबके बीच का एक परिचित चेहरा है, ये आपके प्यार और आशीर्वाद से है। और खेल न खेले दे, खेलिए भी ना। थैंक यू सो मच हमारी शूटिंग के समय। और ऐसा नहीं है कि हमको अच्छा लग रहा है यहाँ पे, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि हमारी दवाई का भी टाइम हो गया है, डॉक्टर ने दिन में 4 बार ट्यूब डालने को बोला है, और हम लोग बहुत लाइट नहीं अभी वीडियो कर सकते क्योंकि शूटिंग आज बंद थी हमारे, इसलिए मैं जाना चाहूंगा, आज्ञा चाहूंगा आप सबसे, आप सब लोगों को जितने कमेटी के लोग हैं, रामू जी आगे आइए, ऐसे क्या छुपे हुए हैं, तो ये सब लोग बधाई की बात रहे कि माहौल की धरती पर ये लोग इतना अच्छा इस पर्व को मनाते हैं जन्माष्टमी को, और मैं सच में भाग्यशाली हूँ कि मुझे इस उत्सव में शामिल होने का मौका मिला। थैंक यू सो मच, बोलना चाचा। धन्यवाद बड़े भैया को, मैं चाहूंगा सा सम्मान सहित मैं भैया को लिवा के जाऊँ, आप लोग रास्ता खाली रखिएगा। बड़े बुजुर्ग सबसे निवेदन करें अपना उचित स्थान लेकर के।